58 साल के अधेड़ ने 3 साल की मासूम को बनाया हैवानियत का शिकार। चाउमीन की दुकान से सुनाई दी बच्ची की चीख। राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना। नमस्कार, मैं हूँ निर्मला वस्नानिया और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। यदि आपने अभी तक MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें। देखिए भोपाल की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, शहर के अशोका गार्डन क्षेत्र में एक 58 साल के अधेड़ की दरिंदगी सामने आई है। इस दरिंदगी ने समूची राजधानी को शर्मसार कर दिया है। घर के बाहर उछल कूद कर रही 3 साल की मासूम को खिलाने के बहाने वह से चाउमीन की दुकान में ले गया, दुष्कर्म की कोशिश की और अप्राकृतिक कृत्य से चिकती बच्ची की पुकार राह से गुजर रही एक महिला ने सुन ली और उसने शोर मचाकर लोगों की मदद से बच्ची की जान बचा ली। वहीं पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म, कुकर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रहवासियों के मुताबिक आरोपित पहले भी अन्य बच्चों के साथ अश्लील हरकत कर चुका है, लेकिन बदनामी के डर से शिकायत नहीं की गई। वहीं आरोपित बिलखिरिया में एक बच्ची के साथ गलत कृत्य करने के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। अशोका गार्डन थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव के मुताबिक क्षेत्र में 3 साल की बच्ची माता पिता के साथ रहती है। लगभग सुबह करीब 11 बजे वह घर के बाहर खेल रही थी। उसके घर के पास रहने वाला 58 वर्षीय राम अवतार उसे खिलाने के बहाने ले गया। आरोपित उसे पास में बंद पड़ी दुकान में लेकर गया, जहां बच्ची के साथ दरिंदगी की। वहीं बच्ची की चीख और रोने की आवाज सुनकर पास में रहने वाली 30 वर्षीय गायत्री भास्कर उस दुकान के पास पहुंची और शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। इस दौरान एक महिला विजया ने डायल 100 पर पुलिस को फोन कर दिया। फोन कर उसने सूचना दी पुलिस को कि महिला की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वहीं बच्ची की चीख सुनकर शोर मचाने वाली महिला गायत्री भास्कर और पुलिस को सूचना देने वाली विजया पाटिल को अशोका गार्डन पुलिस ने थाना परिसर में पुष्प गुच्छक देकर सम्मानित किया। वहीं महिला अपराध की SP निधि सक्सेना ने महिला का सम्मान किया। आवाज उठाने से ही घटनाएं रुकेगी, बच्ची की आवाज सुनी तो रुककर शोर मचाया। वहीं समाज को ऐसी घटना देखने पर चुप नहीं बैठना चाहिए, साथ ही आवाज बुलंद करने से ही ऐसी वारदातें रुक सकती हैं। बच्ची को बचाने वाली महिला गायत्री भास्कर। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।